पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट के, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक बाउल चाहिए। हम सबसे पहले बाउल में आधा कप चीनी डाल देंगे। हम आधा कप चीनी ले रहे हैं, आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, शुगर पाउडर ले लीजिए चाहे चीनी ले लीजिए। अब हमने आधा कप पानी ले लिया है, वो हम इसमें मिला देंगे। पानी के बाद अब हम इसमें एक चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। तो अब हम एक चम्मच इसमें नींबू का रस डाल दे रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। या फिर आप बटर जो चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी एक बार। अब हम इसमें 1/4 टेबलस्पून वेनिला एसेंस डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिला लीजिए कि सब जो हमने डाले हैं इंग्रेडिएंट्स वो अच्छे से मिल जाएं। यहाँ पे सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया है, उसे हमें एक साइड कर सबसे पहले हम, या तो आप एक कढ़ाई ले सकते हैं, पतीला ले सकते हैं या प्रेशर कुकर जो आप लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। तो मैं कढ़ाई ले रही हूँ, उसमें मैं नमक डाल दूंगी अपना। ये जो नमक है मेरा यूज़ किया हुआ है, पहले मैंने बेकिंग में या कुकिंग में यूज़ किया हुआ है, उसको हम स्प्रेड कर देंगे। फिर मैं ऐसा स्टैंड लेकर इसमें रख दूंगी। अगर आपके पास स्टैंड अवेलेबल ना हो तो आप कोई वो ढक्कन को उल्टा करके रख सकते हैं, किसी प्लेट का यूज़ कर सकते हैं या किसी कटोरी का भी यूज़ कर रख सकते हैं। तो इसको आपको मेन ध्यान जो देना है वो ये देना है कि आपकी जो आँच हो वो लो फ्लेम में हो, ठीक है। फिर हम इसको ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। हम इसे प्री हीट होने रख देंगे पहले से। जब तक वो हमारा प्री हीट हो रहा है हम अब इस पर काम शुरू करेंगे। तो पहले हम इसको जो हमने ये बना के रखा था उसे एक बार मिला लेते हैं। तो ये इसको मैंने एक बार मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो अब इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने एक कप मैदा लिया है, वो अब हम इसमें डाल देंगे। आप मैदा लें तो छान लें, मैंने इसको छान लिया है पहले से। एक कप मैदा इसमें डाल दीजिए। एक चम्मच बेकिंग पाउडर, और आधा से कम एक चौथाई चम्मच हमें बेकिंग सोडा इसमें मिलाना है। से 2 चम्मच के आसपास आपको कोको पाउडर डालना है। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप कॉफी का भी यूज कर सकते हैं। कॉफी का यूज करने से आपको पूरा कोको पाउडर जैसा टेस्ट तो नहीं मिलेगा, पर हाँ आपको उसके में मिलता जुलता टेस्ट मिल जाएगा। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका मतलब बैटर जो है वो थोड़ा गाढ़ा है तो आप दूध या पानी की मदद से इसको पतला कर सकते हैं।
मेरा ये जो चॉकलेट का बैटर हमने बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसको हम थोड़ा पतला करने के लिए इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, देखिएगा अगर आपको तब भी कम लगे तो थोड़ा और ऐड कर लीजिए। मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला है। तो आप ये देख सकते हैं हमारा जो ये चॉकलेट केक का बैटर है वो अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही है। अब हम इसको साइड कर देंगे। हमने केक टिन ले लिया है, इसमें मैंने अपना रिफाइंड ऑयल या बटर आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से हर जगह स्प्रेड कर दूंगी। हो चुका है, अब हम इसमें बटर पेपर लगा लेंगे। इसके ऊपर भी हम ग्लेज कर देंगे बटर के साथ। पेपर के ऊपर भी हमने बटर को अच्छे से लगा दिया है। अब हम अपना ये जो चॉकलेट का बैटर हमने बनाया था वो इसमें डाल देंगे। देख सकते हैं आप इसमें इसमें कोई भी लम्स नहीं है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही परफेक्ट है। अब आप इसको, ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है, इसको एक बार आप ऐसे टैप कर दीजिए कि जो भी एयर टाइट हो वो इसमें ना हो। जो हमने कढ़ाई रखी थी वो बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो अब हम इसको इसमें रख देंगे। आप आराम से रखिएगा बिल्कुल कि आपके हाथ में कहीं लग ना जाए। अब हम इसको ढककर 35 से 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं 35 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसको एक टूथपिक की हेल्प से देखूंगी कि ये हुआ है कि नहीं। तो इसमें अभी 5 मिनट की कसर रह गई है, मैं इसको 5 मिनट और रख दूंगी। देख सकते हैं 5 मिनट में मैंने निकाल लिया है, ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तू बहुत डांस कर, ये आप देख सकते हैं कि बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। 5 मिनट में मैंने गैस ऑफ कर दी थी। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। अगर आपको ये चेक करना हो कि अगर ये आपका बना है कि नहीं बना है कि कच्चा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चाकू या एक टूथपिक की हेल्प से आप डालकर देख लीजिए, और अगर वो कुछ मतलब बिल्कुल साफ निकले तो वो बनकर रेडी हो चुका है। अगर वो उसके अंदर कुछ लग के निकले तो ये अभी रेडी नहीं हुआ है। तो हमने केक को ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम चॉकलेट फ्रॉस्टिंग की तैयारी करेंगे। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, पर आज जो मैं तरीका आपको दिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही इजी, और कुछ भी आपको नहीं चाहिए, ना उसके लिए विस्कर चाहिए, ना ब्लेंडर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक मिक्सर चाहिए, मिक्सर जार, आप उसमें ही बहुत ही जल्दी आराम से बना सकते हैं और चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बिल्कुल बाजार जैसे बनकर तैयार होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हम इसमें कोको पाउडर डाल देंगे। 2 चम्मच के आसपास हम कोको पाउडर डाल देंगे इसमें, और आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। अब फाइव टेबलस्पून्स मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। अब इसमें हम वेनिला एसेंस डाल देंगे, 1/2 चम्मच वेनिला एसेंस। अब हम इसमें 1 चुटकी के आसपास नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। बटर जो हो आपका रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। आप जब भी ये बना रहे हो उससे 1/2 से 1 घंटा पहले आप अपने बटर को बाहर निकाल दें, तो आपका जो बटर है वो रूम टेम्परेचर के आसपास हो जाएगा। अब हम इसमें ये बटर ऐड कर देंगे। तो ये कम से कम 4 टेबलस्पून के आसपास बटर है। अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे।
क्रीम हमने इसमें ऐड कर दी है। क्रीम जो है वो आपकी थोड़ी कोसी होनी चाहिए, आप उसको थोड़ा वो गैस पे थोड़ी गर्म कर दें और फिर उसको थोड़ा जब वो मीडियम की हो जाए तो आप इसमें डाल दें। आप ये अपने मिक्सर में भी कर सकते हैं, ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, मिक्सर की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब हम इसको पीस लेंगे, मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। तो अब हम केक को अपने निकाल लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा केक निकला है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये हमारा केक। अब हम इसमें अपना चॉकलेट फ्रॉस्टिंग डाल देंगे। इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। तो अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।